देखो देखो मान सम्मान स्वाभिमान भीम मिशन के जाग गया है। देखो खून गरम, देखो गरम खून युवाओं का 2 अप्रैल का आंदोलन कर गया है। शिक्षा और संगठन ने आपको ताकतवर बना दिया है। भारत की सरकार को मजबूर कर आपने SC ST Act लागू करा दिया है। बस अपने आप को जगा कर रखना, बस अपने आप को जगा कर रखना। कोई देखे ना अगली, कोई देखे ना उंगली उठाकर संविधान को, इतनी आग अपने दिल में जगाए रखना। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सारी बातें हमारे मुख्य अतिथि KP चौधरी जी हमें बता गए हैं और बार बार कार्यक्रम में आकर के मार्गदर्शित करते हैं और आते रहते हैं, तो सारी बातें आ चुकी हैं। लेकिन मैं कुछ बातें ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो महीना है नवंबर का, ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की कमेटी थी उसने इस संविधान को अंगीकार किया था। इसलिए 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है वो घर घर में मनना चाहिए, घर घर में मनना चाहिए। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन असली जो पूरा ज्यादातर जो संविधान था वो 26 नवंबर को लागू हो गया था। उसी कड़ी में बड़े भाई साहब बैठे हैं सुधीर राज जी, वहां पर इंडिया गेट पर वहां पर भी 26 नवंबर को कार्यक्रम है, जगह जगह कार्यक्रम है। तो जो अभी हमारे बीच में बताया और मैं बताना चाहता हूं कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में पैदा ना हुए होते तो इस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं होता, और इस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं होता तो देश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, और आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हम टाई और कोट और पैंट और अच्छी अच्छी गाड़ियों में नहीं चल रहे होते। तो बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत है हम सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से संगठन बना और संगठन से संघर्ष हुआ। अगर शिक्षा ना होती तो हम संगठित ना होते, और अगर संगठित ना होते तो 2 अप्रैल का भारत बंद ना होता। अगर संगठित ना होते तो 2 अप्रैल का भारत बंद ना होता, और 2 अप्रैल का भारत बंद ना होता तो भारत की सरकार को झुकने को मजबूर ना होना पड़ता। ये आपकी ताकत थी उस मनुवादी सरकार को, ऐसी सरकार को जिन्होंने आज तक ना तो रोजगार दिया, ना किसी को रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, और शिक्षा को काटना शुरू कर दिया। जैसा मुख्य अतिथि जी ने बताया कि निजीकरण हो रहा है, आज नौकरियां नहीं मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2 अप्रैल का जो बंद हुआ उसमें किसी की बहन के भाई थे, किसी की कुर्बानियां उसमें गई हैं। आपके समाज के 12 लड़के उसमें शहीद हुए हैं, 12 नौजवान लड़के शहीद हुए हैं, युवा शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, सरकार ने उनको बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया। ये बड़ा अफसोस है, सरकार सिर्फ जाति देख करके, धर्म देख करके काम कर रही है। वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। तो ऐसों को जो 2 अप्रैल में शहीद हुए हैं उनको 2 अप्रैल में आप लोग जरूर नमन करें, जिनकी वजह से आज SC ST Act ये प्रभावी हुआ है। ये हमें याद रखना है, हमें इन चीजों को याद रखना है, और जैसा बताया कि सभी लोगों को संगठित होकर के कार्य करना है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो आज यहां पर डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय खुला उसमें हम सभी लोग यहां उपस्थित हुए, हमें आने का यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि मेरा गांव आपके पास में सराय लौंगा है, हमारे गांव में बाबूजी रूपराम जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने करीब 35 साल से हमारे गांव में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय समिति है, और वो बहुत समय से बाबू रूपराम जी ने सभी को मार्गदर्शित करने का काम किया है। शाने क्षेत्र में हम लोगों को गांव से निकाल करके आगे बढ़ाने का काम किया है, एक टीम काम किया है, और ऐसी जो जागृति शाने क्षेत्र में फैली है, और आज शाना क्षेत्र यही नहीं पूरे बुलंदशहर में जो आप सभी यहाँ से रन फॉर अम्बेडकर जो हर साल होती है, तो एक आगाज नई आवाज बुलंदशहर में प्रसारित की है। तो सभी जो आज ये जागृति आई है ये बनी रहनी चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है, समय कम है,
और ऐसा कहा गया, मैं दो चंद लाइन अपनी कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखो देखो मान सम्मान स्वाभिमान भीम मिशन के जाग गया है, देखो खून गरम, देखो गरम खून युवाओं का, 2 अप्रैल का आंदोलन कर गया है। शिक्षा और संगठन ने आपको ताकतवर बना दिया है, भारत की सरकार को मजबूर कर आपने SC ST Act लागू करा दिया है। बस अपने आप को जगा कर रखना, बस अपने आप को जगा कर रखना, कोई देखे ना अगली, कोई देखे ना उंगली उठाकर संविधान को, इतनी आग अपने दिल में जगाए रखना। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।